केंद्र सरकार का 6 रबी फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी के ऐलान पर कांग्रेस ने कड़ा वार किया है। पार्टी महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार ने रबी फसलों की एमएसपी की घोषणा कर अपनी पीठ थपथपा ली है, लेकिन किसानों को ठग कर फिर खून के आंसू बहाने के लिए छोड़ दिया है। सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा, दीपावली की चहल पहल और रोशनी में अन्नदाता किसान की मेहनत का एमएसपी फिर खो गया। रणदीप ने अपना गुस्सा ट्विटर पर 6 भागों में जाहिर किया। पहले ट्वीट के बाद उन्होंने दूसरे भाग में कहा, भाजपाई शकुनी चौसर ने किसान का जीना दुर्भर कर दिया। न कॉस्ट प्लस 50%, न उचित दाम, न पर्याप्त खरीदी और न एमएसपी के कानून को अंजाम दे रही सरकार। उन्होंने आगे कहा कि मोदी जी ने 2014 में वादा किया था कि किसानों को कॉस्ट प्लस 50% देंगे, लेकिन 50% तो दूर, घोषित किया एमएसपी तो खुद बीजेपी सरकारों द्वारा मांगे गए एमएसपी से भी कम है। रणदीप सुरजेवाला ने तीसरे भाग में लिखा, कड़वा सच ये भी है कि मोदी सरकार केवल एमएसपी की घोषणा करती है, एमएसपी पर खरीद नहीं। इस ट्वीट के साथ उन्होंने एक चार्ट भी शेयर किया, जिसपे उन्होंने काफी सारी फसलों के बारे में, एमएसपी के बारे में बताया। नेता जुमले गढ़ कर सकता है और आंकड़े झूठ नहीं बोलते, ऐसा भी उन्होंने व्यक्त किया। कांग्रेस यूपीए सरकार ने एमएसपी में 205% तक बढ़ोतरी की है, जबकि मोदी सरकार के 8 सालों में एमएसपी की बढ़ोतरी घटकर 40% तक रह गई है। रणदीप सुरजेवाला ने 5वें भाग में ट्वीट कर लिखा, मोदी सरकार द्वारा घोषित एमएसपी तो देश की महंगाई दर से भी कम है, यानी महंगाई ज्यादा बढ़ी है और एमएसपी कम। वहीं अंत में उन्होंने कहा कि देशवासियों को दिवाली पर 2 मिनट देश के 70 करोड़ किसान खेत मजदूरों के बारे में भी सोचें और उस मेहनतकश किसान मजदूर के बारे में जिसकी वजह से आपका चूल्हा जलता है। दरअसल केंद्र सरकार ने दिवाली के मौके पर गेहूं और दालों समेत 6 रबी फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। केंद्र सरकार के इन 6 फैसलों की एमएसपी 9% तक बढ़ने का फैसला किया गया है। सरकार ने जौ में एमएसपी 100 रुपए, तो चने में 105, तो वहीं गेहूं में 110 रुपए की एमएसपी में बढ़ोतरी की है, जबकि मसूर में 500, तो सरसों में 400 रुपए की एमएसपी में वृद्धि की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।